शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड्स में सौम्या का बोल्ड अवतार देखकर ड्रामा काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। जी हाँ, सौम्या तब्दील हो चुकी है रिवॉल्वर रानी के अवतार में। लेकिन क्यों, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सौम्या और हरमन काफी रेस्टलेस हो चुकी हैं जब से उन्हें पता चला है कि आदि मिसिंग है, और वो दोनों मिलकर हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये पता लगाया जाए कि आदि आखिर है कहाँ। लेकिन फिर भी सौम्या और हरमन ये पता लगाने में नाकामयाब रहते हैं कि आदि आखिर है कहाँ। लेकिन इसके बावजूद सौम्या और हरमन अपनी होप्स नहीं हारते हैं और फाइनली वो ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये पता लगाया जाए कि आदि आखिर है कहाँ। अब लाग जतन करने के बाद भी सौम्या को ये पता नहीं चल पा रहा है कि उनका बेटा है कहाँ। जिसके बाद सौम्या आग बबूला होकर प्रीतो के पास पहुंच जाती है, क्योंकि वो जानती है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रीतो का ही हाथ है। और वो प्रीतो के सर पर बंदूक रख के पूछती है कि वो उसे बताए कि उसका बेटा आदि कहाँ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले प्रीतो ने सौम्या पर कितने टॉर्चर किए हैं और कितना परेशान किया है, लेकिन सौम्या ने कभी भी आवाज तक नहीं उठाई। लेकिन अब सौम्या का यह रूप देखकर प्रीतो काफी स्टन हो चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसा रिएक्ट करे। तो अब आने वाले एपिसोड्स में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या प्रीतो ये खुलासा करेगी कि आदित्य कहाँ है, या फिर ऐसा ना करने पे सौम्या क्या नया कदम उठाएगी। आपको क्या लगता है, शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और टीवी जगत की तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।